बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना का हाल ही में बर्थ एनिवर्सरी था। लंबी बीमारी के चलते साल 2017 में विनोद खन्ना का निधन हो गया था। विनोद खन्ना को लेकर अक्सर एक बात कही जाती है, वह ये कि विनोद खन्ना पर लड़कियां जान देती थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस में अमृता सिंह का नाम कई बार सामने आया कि वह विनोद खन्ना को बेहद पसंद करती थी। काफी समय सन्यासी जीवन बिताने के बाद विनोद खन्ना ने बॉलीवुड में कमबैक किया और साल 1990 में उन्होंने अमृता सिंह के साथ एक फिल्म साइन की। दरअसल उस वक्त अमृता सिंह क्रिकेटर रवि शास्त्री को डेट कर रही थी, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान मजाक में अमृता ने कहा था कि उनका अफेयर जल्दी ही विनोद खन्ना के साथ शुरू हो जाएगा। अमृता के इस बात से रवि शास्त्री नाराज हो गए थे और उन्होंने कहा था कि अमृता सिंह कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वह विनोद खन्ना को हासिल नहीं कर सकती। रवि की इस बात को अमृता ने एक चैलेंज के तौर पर लिया और तब से विनोद खन्ना के करीब आने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। विनोद खन्ना को भी उनसे देखते ही देखते प्यार हो गया। लेकिन इस बात की खबर जब अमृता सिंह की माँ रुखसाना सुल्ताना को लगी तब उन्होंने हंगामा कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों को सख्त हिदायत दी कि वे अपने रिश्ते को यहीं खत्म करें। फिर क्या था, विनोद खन्ना ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था और फिल्मों में व्यस्त थे। तो वहीं कुछ दिनों बाद खबर आती है कि अमृता ने सैफ अली खान से शादी कर ली।